रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले नौ तक गिनती सीखी थी या काउंटिंग सीखी थी, तो उसमें तमाम नंबर एक हिंसे पर मुश्तमिल हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम 10 से 19 तक और आगे काउंटिंग सीखेंगे। 10 में दो हिंसे हैं, 1 और 0। जैसे आप सोचें, ये 10 कैंडल्स हैं, 10 मोमबत्तियाँ हैं, इनका एक बंडल है। तो आप अपने कॉपी पे 4 कॉलम बनाएं, जहाँ पे पहले आप नंबर लिखेंगे, फिर टेंस लिखेंगे, फिर वंस लिखेंगे। तो अगर हमने इन कैंडल्स को 10 मोमबत्तियाँ लिखते हैं, तो ये 10 हैं, 1 10 आ गया और इनके साथ और कुछ भी नहीं है। तो हम लिखेंगे 10 इज़ इक्वल टू 1 10 और 0 1s, यानी 10s में खाली एक ही 10 है, कोई 1s शामिल नहीं है। तो हम 10 को जो है वो 10 कहते हैं उर्दू में, और TEN 10 इंग्लिश में लिखते हैं। इसी तरह अगर हम 1 10s के साथ एक और ऐड कर दें, तो वो 11 बन जाएगा, और 11 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 1, और इंग्लिश में इसके 11 स्पेलिंग है, 11, और उर्दू में इसको 11 कहते हैं। इसी तरह अगर हम 10s में 2 1s और ऐड करें, तो वो बन जाएगा 12। तो 12 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 2, और 12 इसको इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में 12 कहते हैं। इसी तरह अगर हम 1 10s में 3 और 1s शामिल कर दें, तो ये 13 बन जाता है। 13 को इंग्लिश में 13 कहते हैं और उर्दू में 13 कहते हैं, और इसको इस तरह से लिखते हैं। और फिर हम 14 में 1 10s के अंदर 4 1s जमा करेंगे, तो ये 14 बन जाएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, FOUR 14, और उर्दू में इसको 14 कहते हैं। फिर हम आगे 15 जो है उसमें 1 10s के अंदर 5 1s शामिल करेंगे, तो वो हमारा 15 या 15 बन जाएगा। तो 10 15 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 5, और फिर हमारा 16 आ जाता है, 1 10 प्लस 6 1s, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 16 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 6, इसको इंग्लिश में 16 कहते हैं और उर्दू में 16 कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है 17 1 10s प्लस 7 1s, तो इसको हम लिखेंगे 17 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 7 17, और उर्दू में इसको 17 कहेंगे। इसी तरह ये है 18 1 10s प्लस 8 1s, तो 18 को इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, इसको 18 प्रोनाउंस करते हैं, और उर्दू में इसको 18 कहते हैं, और नीचे इसके हिज्जे भी दिए हुए हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है 19 1 10 प्लस 9, तो इसको हम कहते हैं 19 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 9, और इसको इंग्लिश में 19 कहते हैं और उर्दू में 19। आप अगर गौर करें तो 13 14 15 17 18 19, ये सारे ईटीन पे एंड होते हैं। तो स्पेलिंग याद करना बहुत आसान है कि 13 से 19 तक आप 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9 के स्पेलिंग पक्के करें, और अगर और एंड में टीन लगा दें। तो आप सब, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको अमीर बनने का एक आसान नुस्खा बताती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में फरमाया, जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उसमें से 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। तो जैसे गंदम का एक बीज बोते हैं और उसमें से बालें निकलती हैं, और हर बीज में कितने बाल में कितने ज़्यादा दाने होते हैं। एक हदीस है, उसका मफहूम है, अल्लाह एक अच्छाई का बदला 1 से 700 गुना तक दे सकता है। और एक और हदीस में आता है कि हर अच्छा अमल जो है वो सदका है। माल खर्च करना खाली पैसे ही नहीं, बल्कि जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करना। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सबसे बड़ी नेकी है अपने वालदैन का हक पहचानने की ताकीद की, और उनके साथ नरमी करना। पानी पिलाना भी सदका है, किसी के रास्ते से पत्थर हटा देना, कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंकना, ये भी एक अच्छी बात है। कोई भी मामूली काम मामूली नहीं होता, वो रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है, और अल्लाह के यहाँ अजर मिलेगा। इसी तरह मुस्कुराहट के साथ अपने भाई को सलाम में पहल करना भी सदका है। कोई बुज़ुर्ग जा रहा हो उसके लिए दरवाज़ा खोल देना, किसी ने चीज़ें ज़्यादा उठाई हों उनकी मदद कर देना, ये सारे काम जो हैं ये अच्छे काम हैं। और 3 नेकियां जिनके करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, और किसी के गुनाह की पर्दादारी करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।